हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस सर्विस में वेयर हाउसिंग। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? इसके पहले सर्विस पढ़ लिया, बैंक्स भी पढ़ लिया, ठीक है। वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? हर कंपनी का खुद का गोडाउन होता है। हर कंपनी का खुद का क्या होता है? गोडाउन, जहाँ गुड्स को क्या करते हम लोग? स्टोर करते। स्टोर बोले तो समझ रहे थे, अपना ही घर देख लो ना, हम लोग घर पर खाना बच जाता है या एक्स्ट्रा भाजी आता है तो उसको बाहर नहीं रखते। बाहर रखने से क्या होगा? खाना ख़राब है ना, तो खाना भाजी खा रखते फ्रिज में। तो जब हम छोटा सा फ्रिज रखे तो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी भी क्या करती है? अपना माल को रखने के लिए गोडाउन बनाती। क्या बनाती है? तो गोडाउन को क्या बोलते हैं? वेयर हाउस। क्या बोलते हैं? तो वेयर हाउस क्या है? रेफर्स टू स्टोरेज। क्या करता है? क्या करता है? स्टोरेज मतलब संभाल के रखना, प्रिजर्व, केयर करना। किसका? गुड्स का। फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, फ्रॉम द टाइम ऑफ जब भी चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो गुड्स, रॉ मटेरियल को लाया जाता है, तो अगर वो चीज़ बनाने में नहीं लगी है तो उसको संभाल के रखेंगे। अभी हम लोग घर पे 5 किलो आलू लाए, कितना आलू लाए? तो पूरी भाजी में 5 किलो थोड़ी डालते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते ना, तो थोड़ा 1.25 किलो आलू गया, तो बाकी का आलू कहाँ रखेंगे? है ना, टोकरी में रखेंगे ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन। जब तक वो चीज़ कंजम्पशन नहीं होती, जब तक चीज़ रेडी नहीं होती, तब तक स्टॉक को क्या करते हैं लोग? संभाल कर रखते हैं। तो स्टॉक को कहाँ संभाल कर रखते हैं? गोडाउन में। कहाँ संभाल कर रखते हैं? तो वेयर हाउस क्या काम करता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस? फंक्शन बोले तो काम, फंक्शन बोले तो वेयर हाउस से क्या काम होता है? वेयर हाउस क्या काम करता है? सबसे पहले तो स्टोरेज करता है। क्या करता है? गुड्स को क्या करेगा? वो स्टोर करेगा। अगर कंपनी गुड्स को बाहर रखेगी तो क्या होगा? चोरी हो जाएगा, पब्लिक खुश हो जाएगी, सूरज क्या कर देगा? उसको पूरा ख़राब कर देगा ना यार। तो इसके लिए गुड्स को प्रॉपर जगह के पे क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। स्टोर करने से गुड्स को क्या होता है मालूम है? सेफ्टी रहती है। क्या रहती है? सेफ्टी। जब ज़रूरत है तब स्टोर से माल निकल के बना देंगे या भेज देंगे। तो स्टोरेज क्या वर्ड है? वेयर हाउस क्या करता है? गुड्स को स्टोर करता है। अभी एक वर्ड है प्राइस स्टेबलाइजेशन। क्या दिया है? मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन वर्ड याद रखो, महंगाई। अगर मान लो वेयर हाउस नहीं रहेगा ना तो चीज़ कम बनेगी। अगर कम बनेगी चीज़ तो मार्केट में कैसे वो शॉर्टेज रहेगा, तो किसी भी चीज़ का शॉर्टेज रहेगा तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। किसी भी चीज़ का शॉर्टेज होगा उसका प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पर गोडाउन में क्या होता है? गुड्स को स्टोर करते हैं ना। गोडाउन में क्या होता है? गुड्स को स्टोर करके रखते हैं। गोडाउन में गुड्स को क्या करके रखेंगे? स्टोर। जैसे ही मार्केट में डिमांड आता है तो वेयर हाउस से माल किधर जाता है? मार्केट में। वेयर हाउस से माल किधर जाएगा? तो जब मार्केट में गुड्स अवेलेबल रहेगा तो फिर प्राइस क्या रहेगा? कम ही रहेगा। प्राइस क्या रहेगा? कम। तो उसका भाव बढ़ता नहीं है। तो प्राइस को मेंटेन करता है कौन? मेंटेन करता है वेयर हाउस। प्राइस मेंटेन रहने में अगर चीज़ का शॉर्टेज हो जाएगा तो उसका दाम बढ़ जाएगा ना, प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वेयर हाउस क्या करता है? टाइम टू टाइम माल सप्लाई करते रहता है, इसके लिए मार्केट में गुड्स अवेलेबल रहता है। जिसका भाव बढ़ता है तो प्राइस को स्टेबल रखता है, बैलेंस रखता है। क्या रखता है? बैलेंस। अभी इधर कैसे दिया है? इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी, मतलब टाइम बचाता है, टाइम पे माल सप्लाई कर देता है। फाइनेंसिंग क्या दिया है? फाइनेंसिंग एक तरह से आप लोग याद रख लो, लोन। क्या है? आपकी कंपनी आपका खुद का वेयर हाउस है जिसमें 10 लाख का माल रखा है, 10 लाख का माल गोडाउन में रखा है, वेयर हाउस में रखा है। जेठालाल का गोडाउन है ना, वो भी वेयर हाउस हो गया ना यार। अगर आपको लोन चाहिए तो बैंक आएगा, तुम्हारा स्टॉक को देखेगा, 10 लाख का माल है तो बैंक तुमको 7 लाख 6 लाख लोन दे देगा स्टॉक के बेसिस पे। तो वेयर हाउस में जो गुड स्टोर होता है उसमें तुमको फाइनेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? फाइनेंस का मतलब क्या होता है? लोन मिलेगा। तो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस। टाइम यूटिलिटी क्या है? जैसे ट्रांसपोर्ट है ना, प्लेस का प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना। ट्रांसपोर्ट कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है? प्लेस यूटिलिटी। और बैंक फंड का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इंश्योरेंस रिस्क कवर करता है। वैसे ही वेयर हाउस क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है? टाइम। जैसे टाइम की जरूरत, मतलब टाइम शॉर्टेज होता है तो वहाँ से माल सप्लाई होकर डायरेक्ट मार्केट में माल पहुँचता है। तो वेयर हाउस कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करता है? टाइम यूटिलिटी। कौन सी यूटिलिटी? कैसे लिखा है इधर मालूम है? वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी बाय स्टोरिंग द गुड्स टिल दे आर डिमांडेड। माल को रखा जाता है, जैसे जो अम्ब्रेला है, रेनकोट है, उन लोग क्या करते हैं? फरवरी, मार्च, अप्रैल में ही बना के रखते हैं। जैसे बारिश आएगा तब जाके उन लोग सप्लाई करते हैं, जब ज़रूरत होगी तो उसका क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाता है। तो ये होता है टाइम यूटिलिटी। क्या है? अम्ब्रेला का एग्जाम्पल ला देने के ना, गुड्स को स्टोर कर दे, जब डिमांड आएगा तो उसको सप्लाई कर देंगे। फिर दिया रिस्क बेयरिंग। क्या दिया? वेयर हाउस क्या करता है? रिस्क को देखता है और उसको कम करता है। जो भी रिस्क है ना गुड्स के रिलेटेड, वेयर हाउस उसको कम करता है। कैसे कम करता है? इधर क्या दिया मालूम है? हाँ, इधर दिया पॉइंट, इधर दिया पीछे। हाँ, रिस्क बेयरिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। मतलब वेयर हाउस का एक काम है रिस्क को बेयर करना, झेलना। When goods are hand over to the warehouse keeper by businessman, the risk of damage of goods is passed to the warehouse keeper. मतलब जो गुड्स बना के रखा है ना, प्रोडक्शन करके रखा है, रेडी करके रखा है, उसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस में जाता है। किधर जाता है? तो यहाँ का रिस्क कहाँ ट्रांसफर होता है? गोडाउन में। तो गोडाउन वाले स्टोर कीपर क्या करेगा? गुड्स को नजर रखेगा। स्टोर कीपर को सैलरी देते हैं ना, गुड्स को नजर रखो, कितना आया, कितना गया, गुड्स को डैमेज नहीं होने चाहिए। इस तरह गुड्स को
डैमेज होने से बचाता है, कौन बचाता है? वेयर हाउस। प्रोसेसिंग, क्या वर्ड है? मतलब गुड्स को प्रोसेस करने के लिए भी वेयर हाउस लगता है। अभी जैसे कि जो भी अनाज होता है, पैडी बोले तो चावल हो गया, फ्रूट्स हो गया, जैसे आम जो तोड़ते हैं ना झाड़ पे, पीला आम नहीं मिलता, हरा आम रहता है, क्या रहता है? तो उसको क्या करना है, पकाने के लिए, राइप करने के लिए गोडाउन लगता है। क्या लगता है? तो आम को कहाँ रखा जाएगा? गोडाउन में रखा जाएगा। जब तक वो तैयार नहीं हो जाएगा तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं उसको? तो प्रोसेसिंग में कौन काम आता है? तो वेयर हाउस का ये फंक्शन हो गया। क्या हो गया? तो वेयर हाउस ये सब काम करता है। प्रोसेसिंग का कैसे लिखा है? सम एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज रिक्वायर प्रोसेसिंग। जो कुछ एग्रीकल्चर का कॉमोडिटी है उसको प्रोसेसिंग लगता है। एग्जाम्पल पैडी, चावल, फ्रूट्स, इन सच केसेस वेयर हाउस प्रोवाइड स्पेस फॉर प्रोसेसिंग। उसको राइप होने के लिए, उसको तैयार होने के लिए क्या लगता है? प्रोसेसिंग लगता है। तो ये हमने क्या पढ़ा इसका? तो एक आंसर और है, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। क्या है? मतलब अलग अलग टाइप्स के वेयर हाउस होते हैं। अलग अलग बोले तो कैसा? अब एक प्राइवेट वेयर हाउस, क्या है? जैसे रिलायंस कंपनी, अदानी कंपनी, तुमको लगता है अपना गुड्स वो मनाता है और किधर भाड़े पे जगह लिया रखा रहेगा? अरे जब उसकी इतनी बड़ी कंपनी है तो खुद का वेयर हाउस भी तो रहेगा, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट वेयर हाउस। क्या बोलते हैं उसको? मतलब किसी खुद का वेयर हाउस है, खुद की कंपनी और खुद का गोडाउन है। खुद की कंपनी जैसे जेठालाल, जेठालाल के पास खुद का गोडाउन है ना उस दुकान के पीछे, तो प्राइवेट वेयर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अभी जैसे कि आप लोग फ्लैट में रहते हो, कोई बिल्डिंग में रहता है, तो जो बिल्डिंग में रहता है उसको कार पार्क करने के लिए उसकी जगह मिलती है ना, कोई बाहर वाला पार्क कर सकता है क्या? तो उसको बोलते हैं प्राइवेट वेयर हाउस। क्या बोलते हैं? पब्लिक वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? जैसे रोड है तो रोड पे किसकी भी गाड़ी पार्क करो। तो पब्लिक वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? एक वेयर हाउस रहेगा, जो भी ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, उसको अगर गुड्स रखना है तो वो पब्लिक वेयर हाउस में जाएगा। जितनी जगह है उसको उतनी जगह के हिसाब से भाड़ा देना पड़ेगा। जैसे ब्रिज के नीचे देखो ना, गाड़ी पार्क होती है, रिक्शा होता है, ट्रक होता है, टेम्पो होता है, बाइक होता है ना, तो रिक्शा का 30 रुपया, बाइक का 20 रुपया, ट्रक का 50 रुपया, तो आप जितना जगह लेंगे उतना भाड़ा देना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं पब्लिक वेयर हाउस। क्या बोलते हैं? प्राइवेट मतलब किसी एक का रहता है, पब्लिक बोले तो जहाँ सब लोग अपना माल को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो एक वेयर हाउस होता है गवर्नमेंट वेयर हाउस। क्या है? इसका मालिक गवर्नमेंट होता है। कौन होता है? तो गवर्नमेंट। आप लोग गाँव जाते रहेंगे तो रेलवे से देखेंगे बड़ा बड़ा वेयर हाउस बना के रखा है, तो किसी प्राइवेट का भी होता है, गवर्नमेंट का भी वेयर हाउस होता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अपने वेयर हाउस में सबको माल रखने के लिए देता है, क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं कि वो गोडाउन खरीद सके, तो लोग वेयर हाउस की सर्विस देगा गवर्नमेंट, और उसका भाड़ा चार्ज करेगा। क्या चार्ज करेगा? तो उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट। जिसका ओनर कौन रहेगा? गवर्नमेंट रहेगा। ओनर कौन रहेगा? गवर्नमेंट। इधर गवर्नमेंट वेयर हाउस में कैसे दिया है? वेयर हाउस विच इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो वेयर हाउस कौन मैनेज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। दिस वेयर हाउस आर अवेलेबल टू द फार्मर, बिजनेसमैन, स्मॉल ट्रेडर, उसके लिए रहता है। तो प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, गवर्नमेंट हो गया। अभी एक कोल्ड स्टोरेज। क्या है कोल्ड स्टोरेज? का मतलब होता है एक बहुत बड़ा जगह रहेगा जहाँ बहुत सारे फ्रिज रहेंगे, कूलर रहेगा, जहाँ वहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा, ताकि वहाँ कुछ चीज़ को रखा जा सके सेफ। जैसे हो गया दूध, हो गया मटन, मच्छी हो गया, फ्लावर्स हो गया, तो वैसे स्टोरेज को क्या बोलते हैं? कोल्ड स्टोरेज। इसका भाड़ा भी ज़्यादा रहता है, राइट? ये किसको चीज़ को रखता है? पेरिशेबल आइटम। कौन सा आइटम को? जो जल्दी ख़राब होता है ना एक दिन में। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर पेरिशेबल कॉमोडिटीज़। पेरिशेबल बोले तो फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट, दूध हो गया ना, फिशेज, ताकि ये सब जो भी चीज़ कोल्ड स्टोरेज रहता है वो सब एक्सपोर्ट होता है ना माल। क्या होता है वो? तो अगर उसको प्रॉपर केयर नहीं करेगा तो ख़राब हो जाएगा ना। दूध तो एक दो दिन में ही फट जाता है, तो प्रॉपर केयर करते हैं ताकि प्रॉपर वो जगह पे पहुंच जाए। तो चार वेयर हाउस इधर हो गया, प्राइवेट, खुद का, पब्लिक, जहाँ सब रखते हैं, इसका मालिक गवर्नमेंट रहता है। कोल्ड स्टोरेज मतलब जहाँ सिर्फ कौन सी चीज़ रखी जाएगी? पेरिशेबल। तीन वेयर हाउस और है, बॉन्डेड वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस, कोऑपरेटिव वेयर हाउस। बॉन्डेड और ड्यूटी पेड वेयर हाउस किसके लिए रहता है? इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए। किसके लिए रहता है? इम्पोर्टर एक्सपोर्टर का मतलब क्या होता है? जो फॉरेन ट्रेड करता है, क्या करता है? चीज़ खरीदता है बाहर गांव से, फॉरेन कंट्री से माल लाना बेचना। तो बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी कोई भी चीज़ बाहर के देश से इंडिया में आएगा तो बॉर्डर क्रॉस किया वो, या इंडिया से बाहर जाएगा तो क्या क्रॉस किया? बॉर्डर। तो उसको ड्यूटी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? ड्यूटी। क्या देना पड़ता है? ड्यूटी। ड्यूटी बोले तो टैक्स होता है। ड्यूटी बोले तो क्या होता है? टैक्स होता है। ड्यूटी बोले तो टैक्स। बॉन्डेड वेयर हाउस, बॉन्डेड का मतलब होता है पकड़ के रखना। बॉन्डेड बोले तो एकदम बॉन्डिंग स्ट्रांग, मतलब फॉरेन से माल आ गया है, मान लो इंग्लैंड से माल इंडिया में आ गया है, तो फिर शिप में आएगा ना, किस में आएगा? मशीन, बड़ी बड़ी शिप में आएगी। तो फिर पोर्ट ट्रस्ट, क्या वर्ड आया? बंदरगाह, जहाँ शिप रुकती है ना, तो पोर्ट ट्रस्ट क्या करेगा? वो मशीन को अपने कब्जे में ले लेंगे। जो मालिक है ना मुंबई में बैठा, उसको नहीं देगा वो, जबकि चीज़ उसकी है। तो पोर्ट ट्रस्ट क्या बोलेगा? इसकी ड्यूटी पे करो। क्या पे करो? तो बॉन्डेड वेयर हाउस, जब तक वो ड्यूटी नहीं पे करेगा ना, तो मशीन उसके घर पे जाएगा नहीं, उसकी दुकान पे, उसके घर पे जाएगा नहीं। इसको क्या बोलते हैं? बॉन्डेड वेयर हाउस। क्या बोलते हैं? तो कैसे लिखा है सुनो इधर, तो द वेयर हाउस इज लाइसेंस बाय गवर्नमेंट। इसका लाइसेंस किसके पास रहता है? गवर्नमेंट का रहता है। एक्सेप्ट द इम्पोर्टेड गुड्स,
कैसे सब करता है वो इम्पोर्ट और गुड्स और उसको स्टोर करता है, उसको क्या करता है स्टोर करता है, और टिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज, जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा, जब तक गुड्स को रिलीज नहीं किया जाएगा, जब तक पेमेंट नहीं करेंगे गुड्स को रिलीज, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बॉन्डेड वेयरहाउस, क्या बोलेंगे उसको, उसकी मशीन 1 करोड़ का, उसको 1 लाख टैक्स देने का। अगर वो जब तक 1 लाख नहीं पे करेगा 1 करोड़ की मशीन जाएगी नहीं, अब उसको 10 साल लगे क्या लगे, अगर उसने दिया ही नहीं 1 लाख तो मशीन ऐसी पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, फिर उसका नीलामी होगा, क्या होगा, तो 1 करोड़ की मशीन की नीलामी होगी 5-6-8-10 लाख में बिक जाती है, फिर खराब हो जाती है ना 10 साल के बाद, तो कस्टम का माल मिलता है उसको, क्या बोलते हैं कस्टम। एक होता है ड्यूटी पेड वेयरहाउस, क्या है, मान लो चाइना से माल आया 10 लाख का माल है, उस पर 50,000 टैक्स देने का, कितना देने का, तो मुंबई के ट्रेडर ने क्या किया ड्यूटी भी पे कर दिया, क्या पे कर दिया, तो शिप आ रहा है उसको माल लेके जाना है, तो इसमें पोर्ट ट्रस्ट क्या करेगा, माल उसको लेगा स्टोर करके रख देगा, अब वो आवे नहीं आवे तेरा माल लेके जा, लेके जा वरना मत लेके जा, क्योंकि तूने ड्यूटी पे कर दिया ना, क्या पे कर दिया, सिर्फ तेरे को आना है लेके जाना है, तो इसका वो जो पोर्ट ट्रस्ट होता है वो पकड़ता है इसको, क्योंकि उसने अभी तक क्या नहीं दिया ड्यूटी, और ड्यूटी पेड बोले तो उसने क्या कर दिया टैक्स पे कर दिया, क्या पे कर दिया, तो कैसे लिखा है, द वेयरहाउस विच प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग इम्पोर्टेड गुड्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी पेड, कस्टम ड्यूटी क्या हो गया पेड हो गया, पर अभी तो वहाँ माल पहुँचा नहीं है, द वेयरहाउस इज पब्लिक वेयरहाउस, इधर किसी का भी कंट्री का माल आवे इंडिया ट्रेडर रख सकता है, दिस वेयरहाउस आर लोकेटेड नियर पोर्ट एंड डॉक एरिया, ऑब्वियसली शिप में माल आएगा तो फिर माल ये वेयरहाउस कहाँ मिलेगा, पोर्ट ट्रस्ट के यहाँ ही मिलेगा, क्या मिलेगा, जिसमें ड्यूटी पेड रहता है और इसमें ड्यूटी पेड रहता नहीं है। और लास्ट क्या दिया, कोऑपरेटिव वेयरहाउस, क्या होता है, मतलब जो गाँव में रहते हैं किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं ना, आर्टिसन होते हैं, तो उन लोग क्या खेती बाड़ी करते हैं, फिर उनके पास जगह नहीं रहता है रखने का, तो उन लोग मिल के क्या करते हैं, कोऑपरेटिव वर्ड का मतलब होता है मिल के ज्वाइन होना, तो मिल के लोग एक वेयरहाउस बनाएंगे छपरा टाइप, तो सब अपना अपना जगह अपना अपना गुड्स को स्टोर करेंगे, तो उसका भाड़ा भी कम रहता है, जैसे यहाँ भाड़ा ज़्यादा है ना पब्लिक वेयरहाउस में, यहाँ मान लो 1,000 भाड़ा रहेगा तो यहाँ तुमको कोऑपरेटिव में कितना भाड़ा मिलेगा 400-600, क्योंकि इधर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और कोऑपरेटिव वाले किसके लिए काम करते हैं सर्विस, और कोऑपरेटिव वेयरहाउस किसके लिए रहता है एग्रीकल्चर के लिए, किसके लिए रहता है एग्रीकल्चर फार्मर आर्टिसन उनके लिए रहता है, दिस वेयरहाउस आर ओन एंड मैनेज बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी लोग मैनेज करते हैं, दे मेनली प्रोवाइड वेयरहाउस ऑन मोस्ट इकोनॉमिकल रेट, इकोनॉमिकल बोले तो सस्ता, इकोनॉमिकल बोले तो ज़्यादा भाड़ा चार्ज करते नहीं है, तो ये वेयरहाउस का फंक्शन था, और ये वेयरहाउस का क्या था टाइप्स।